असम के सीएम हिमंता विश्वा शर्मा का राहुल गांधी पर बड़ा एक्शन। हिमंता ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए दिए निर्देश। बोले, नक्सलाइट टैक्टिस नहीं चलेगा क्या? पूरा मामला आपको बताएंगे, उससे पहले नमस्कार, मैं श्वेता आपका खबरदार न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। मंगलवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान गुवाहाटी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच फिर झड़प हो गई। अब इस मामले में असम के सीएम ने डीजीपी को कांग्रेस नेता के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों असम के गुवाहाटी में है। मंगलवार को गुवाहाटी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच फिर झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी शहर में यात्रा की इजाजत मांग रहे थे, लेकिन इजाजत ना मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस ने जबरदस्त झड़प हो गई। पुलिस प्रशासन का कहना है कि शहर में यात्रा की इजाजत नहीं है, जबकि राहुल गांधी की यात्रा शहर के अंदर की तरफ बढ़ रही थी। इसी वजह से रोड पर बाद में पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए और इसी दौरान कांग्रेस नेता ने बस के साथ चल रहे लोगों की पुलिस कर्मियों से झड़प हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जबकि राहुल गांधी दूर से देख रहे थे। हम नहीं तोड़ेंगे कानून, राहुल गांधी। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की घटना पर बोलते हुए कहा कि बजरंग दल और जेपी नड्डा जी की रैलियां इस मार्ग पर हुई थी, लेकिन वे हमें रोक रहे हैं। हम कांग्रेस कार्यकर्ता मजबूत हैं, हमने बैरिकेड्स तोड़ दिए हैं, लेकिन हम कानून नहीं तोड़ेंगे। सीएम ने दिए केस दर्ज करने के निर्देश। वहीं अब इस मामले में असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने डीजीपी से बात करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि ये असमिया संस्कृति का हिस्सा नहीं है, हम एक शांतिपूर्ण राज्य है, ऐसी नक्सली रणनीति हमारी संस्कृति से पूरी तरह से अलग है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने डीजीपी असम पुलिस को भीड़ को उकसाने के लिए आपके नेता राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करने और आपके द्वारा अपने हैंडल पर पोस्ट किए गए फुटेज को सबूत के रूप में उपयोग करने का निर्देश दिया है। आपके अनियंत्रित व्यवहार और असहमत दिशा निर्देशों के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप अब गुवाहाटी में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।